एसपीसीटी सोनम कुमार ने पुलिस ऑफिस में ऑपरेशन ईगल के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में एसपीसीटी सोनम कुमार ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर पूरे जिले में ऑपरेशन ईगल चल रहा है। इस अभियान के तहत लोगों के साथ नौकरी व विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी होती है, उसमें तुरंत FIR दर्ज करके कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसको देखते हुए 28 मार्च को कैंट में गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसके प्रगति की समीक्षा की गई है और सभी थाना अध्यक्षों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, अभी तक 50 अभियुक्तों के ऊपर ऑपरेशन ईगल के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसके पहले एसपीसीटी सोनम कुमार ने निर्माणाधीन थाना एम्स का निरीक्षण किया और एम्स थाने के कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द ही कार्यों को पूरा किया जाए, ताकि थाने का उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपीसीटी सोनम कुमार ने कहा, इसमें समीक्षा करने पहले की थी, इसके पहले तो उसमें ये था कि सरकार साहब ने ये बोला है कि विदेश जाने उसमें तुरंत FIR तुरंत FIR तो उसमें ये चलाया गया, तो मुझे 23 पर आता था पहले आपको नौकरी दिलाने का काम, उसमें 14 मुकदमे हो गए हैं बात की मैंने पहले आपको पास सूचना को बना लीजिएगा आप अच्छे फिर आपको निकालना पड़ेगा उसमें कितने प्रतिनिधि हो कितने बचे फिर जो पंजीकृत हुए इसमें क्या स्थिति है चार्जशीट एफआईआर जो भी है वो बना लीजिए सेम विदेश वाला हो जाएगा सेम ये हो जाएगा तो आपका ये अपडेट हो जाएगा सर को बात कि ये काम है इसमें तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं अगर 5 जून को उसकी स्थिति को बना दीजिए दिसंबर की बात आपको हो जाएगी सूचना तो रही इसको अपडेट भी कर जो भी यहाँ पे आते हैं वो सब स्टार्ट हो देखिए भारतीय अगर संतुष्ट है तो फिर जाता है ठीक है तो मैंने भी भारतीय संतुष्ट करना है चल रहा है कप्तान साहब के आदेशानुसार उसमें जो भी नौकरी या फिर विदेश भेजने के नाम पे जो धोखाधड़ी होती है उसमें तुरंत FIR करके कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं SSP महोदय द्वारा। उसी क्रम में कल कैंट में गिरफ्तारी भी हुई थी, तो आज हमने दोबारा इसकी समीक्षा की है चुनाव के बाद और इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कई मामलों में जिनका नाम आ रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सर कितने अभी तक कार्रवाई? देखिए इसमें लगभग 50 के आसपास हमारे पास मुकदमे अभी तक हैं और जितने हमारे पास मामले जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे हम तुरंत मुकदमा करते जाते हैं। थाना जो है निर्माणाधीन रहा है तो उसके आज हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया और उसमें क्या क्या कार्य होना है क्या क्या बचा है उसकी समीक्षा की गई है और शीघ्र इसको पूर्ण करके इसका उद्घाटन करके इसका प्रारंभ किया जाएगा।